हाँ जी, कैसे हो और कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? उम्मीद करेंगे भाई सब अच्छा चल रहा होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा। और अगर कोई डाउट हो ना, उस डाउट को भेज देना भाई, मिलके संवार देंगे, फिर दोबारा आएगा ही नहीं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो हम सीख रहे थे BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023, और उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 4। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, और चैप्टर 5 के अंदर है ना तीन चार पार्ट बताए गए हैं अलग अलग। तो हम इनको एक साथ ना करके अलग अलग पार्ट को अलग अलग ही पढ़ेंगे। जैसे आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेप के बारे में, कि रेप कैसे होता है, किस सिचुएशन में रेप माना जाता है और किसको रेप नहीं कहा जाता है। और रेप के बारे में जो बताया गया है वो बताया गया 63 से लेके 72 सेक्शन तक। देखिए भाई, सीखने की चीज है माय डियर, यहां से क्वेश्चन पक्का आपका बनेगा ही बनेगा। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर लॉ से रिलेटेड अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। 63 बताता है डेफिनेशन ऑफ रेप, कि रेप किसको कहेंगे। चार बातें बता दी भाई, 1 2 3 4। देखो सीखने की चीज है, ये सेक्शन अगर सीख गए तो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरी क्लास सिर्फ इस एक सेक्शन के ऊपर ही है। और अगर यही नहीं समझ में आया तो फिर देखो भाई, पहली बात कहता है कि अगर कोई भी लड़का अपने प्राइवेट पार्ट को किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट से टच करवाता है या उसके अंदर एंट्री करवाता है, लड़की के प्राइवेट पार्ट से या फिर उसके मुंह से भाई, उसके होठों से, अगर अपना प्राइवेट पार्ट, लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है, लड़की के मुंह से, लिप्स से, या फिर एंट्री करवाता है, फिर टच करवाता है, फिर लड़की के प्राइवेट पार्ट से टच करवाता है या फिर एंट्री करवाता है, ऐसा काम खुद करता है या फिर किसी और से करवाता है, तब ये क्या आ जाएगा, ये रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। सेकंड बता दिया कि अगर कोई भी लड़का खुद या किसी और से अपना कोई भी प्राइवेट पार्ट नहीं, लेकिन कोई चीज, कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट लड़की के प्राइवेट पार्ट में डलवाता है या खुद डालता है, कोई भी लड़का कोई भी चीज या तो खुद या फिर किसी से, अपने किसी दोस्त से, साथी से, या किसी को मजबूर करके, किसी कनपट्टी पे बंदूक लगा के, अपना प्राइवेट पार्ट नहीं, कोई और चीज, लाइक जैसे मार्कर हो गया, रोड हो गया, पेन हो गया, या फिर कोई और चीज हो गई, लड़की के प्राइवेट पार्ट में डलवाता है, तब भी क्या आ जाएगा, वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड बता दिया, कोई भी लड़का या तो खुद या किसी और से लड़की के शरीर को इस कदर सहलाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट तक अपने हाथ, अपने फिंगर्स वहां तक लेके जा सके और एंट्री करवा सके, तब भी रेप की कैटेगरी में आता है। और फोर्थ बता दिया कि कोई भी लड़का या तो खुद या फिर किसी और से अपना मुंह, अपना माउथ लड़की के प्राइवेट पार्ट से टच करवाता है जी, लड़की के प्राइवेट पार्ट से टच करवाता है अपना मुंह। देखो यहां पे लड़के का प्राइवेट पार्ट है, लड़की के मुंह से और उसके प्राइवेट पार्ट से टच करवा रहा है, यहां पे ओनली लड़के का मुंह है और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, तब ऐसे में ये सब क्या बन जाएगा, ये रेप की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। मैं फिर बता देता हूँ चारों चीजें, लड़के का प्राइवेट पार्ट, लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर टच करवाता है फिर एंट्री करवाता है, या फिर उसके मुंह को, मुंह से टच करवाता है या फिर एंट्री करवाता है। यहाँ पे लड़के का प्राइवेट पार्ट नहीं है, पर लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर कोई भी चीज, जैसे मार्कर हो गया, रोड हो गया, ऐसी चीज खुद डालता है या फिर किसी और से डलवाता है। थर्ड चीज में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना इसका कोई प्राइवेट पार्ट बनाया मैंने या इसका भी नहीं बनाया, मतलब क्या था, मतलब ये था कि लड़का इस लड़की के शरीर को इस कदर सहलाता है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट तक अपने शरीर का कोई पार्ट लेके जा सके, जैसे उसके कपड़ों में हाथ डाल दिया, हाथ डाल के भाई उसके प्राइवेट पार्ट तक उसका हाथ चला जाए, फिंगर चला जाए, ऐसी कुछ हरकत कर रहा है तब। और फोर्थ पॉइंट में लड़के का मुंह और लड़के का प्राइवेट पार्ट, अगर ऐसा काम होता है, और अब 7 सिचुएशन बता दी, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 सिचुएशन बता दी भाई। अगर ये 7 सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हो रहा है तब वो बन जाएगा रेप, तब हम उसको कहेंगे रेप। क्योंकि ऐसी जो चीजें हैं वो तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में भी होती है, लेकिन ये 7 सिचुएशन जरूरी है, अगर ऐसा होगा तभी रेप होगा और इस कदर होगा तभी वो रेप होगा, और कोई तरीके से रेप नहीं हो सकता है। पहली चीज तो बता दी कि बिना इच्छा के भाई, लड़की का मन नहीं है, उसकी बिना इच्छा के साथ में कोई भी इन चारों में से कोई भी एक काम करता है तो वो क्या बन जाएगा, रेप बन जाएगा। सेकंड,
जोर जबरदस्ती यानी कि बिना कंसल्ट के, बिना उसकी सहमति के, सहमति के खिलाफ यानी कि जोर जबरदस्ती, ठीक है, लड़के के साथ में जोर जबरदस्ती हो रही है, अपनी मर्जी से वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अगर अपनी मर्जी से ऐसा कुछ कर रही है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लड़की का मन है तब तो कोई इच्छा के बिना लिख देता हूं, ये लो इच्छा के बिना, लड़की का मन है नहीं भाई, तब अगर कोई ऐसा काम करेगा तो वो रेप बन जाएगा। लेकिन अगर लड़की का मन है और कोई ऐसा करता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लड़की की कोई सहमति नहीं है यानी कि जोर जबरदस्ती हो रही है और इन चारों में से कोई भी एक काम होगा तो वो रेप बन जाएगा। लेकिन अगर लड़की की सहमति है तब तो नो प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट में बता दिया कि अगर लड़की को कोई डर हो, डर किस चीज का, कि कोई भी मेरे को हर्ट मिल सकती है, चोट मिल सकती है, या कोई मेरे को ग्रेवियस हर्ट मिल सकती है, गहरी चोट मिल सकती है, या फिर मौत भी उसकी हो सकती है, या फिर वो किसी को चाहती है उसकी मौत हो सकती है, ऐसा डर देके अगर कोई उसके साथ में ऐसा करता है तब हम, ऐसा कोई इंटरकोर्स करता है तब उसको भी क्या कहेंगे, रेप कहेंगे। अब लड़की की कनपट्टी पे बंदूक लगा दी भाई कि मेरे साथ कर, अब लड़की क्या करेगी, अब बेचारी को मौत का डर कि भैया अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं मर जाऊंगी। तो फिर अब उसने अपनी कंसल्ट तो दी पर मौत के डर से, लड़की का कोई लेडीज है, उसका कोई बच्चा है, उसके बच्चे को किसी ने उठा लिया, किडनैप कर लिया, कहा कि उसके साथ में इंटरकोर्स कर, हम तेरे बच्चे को छोड़ देंगे। अब उसने जो किया एक डर में आके किया, क्लियर, तो तब भी वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि वहां पर जो उसने सहमति दी वो किसी डर के कारण सहमति दी है, अपनी मर्जी से नहीं दी। फोर्थ पॉइंट बता दिया, अगर कोई भरम में सहमति दे देती है, हस्बैंड समझ गए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गलत फहमी में समझ लिया कि हस्बैंड है, तब भी क्या बन जाएगा वो, लेकिन वो हस्बैंड नहीं था, वो कोई और ही था, हस्बैंड समझ के अपनी सहमति दे देती है पर वो रियलिटी में हस्बैंड नहीं था, कोई और ही था, तब भी क्या बन जाएगा, वो रेप का मामला बन जाएगा। देखिए मैंने आपको जब सिखा रहा था मैं 28 कि कंसल्ट हम किसको कहेंगे, तो कंसल्ट आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, वहां पे 28 के अंदर बता दिया था कि कंसल्ट हम किसको नहीं कहेंगे, 12 साल से कम का बच्चा अगर कंसल्ट देता है, कोई पागल नशेड़ी अगर कंसल्ट देता है, इनको कंसल्ट नहीं माना जाता है, या फिर अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी डर में, किसी मजबूरी में, किसी भरम में आकर अगर आगे कोई कंसल्ट देता है तब उसको भी कंसल्ट हम नहीं मानते। तो यहाँ पे भी उसने भरम में ही अपनी क्या दी थी, कंसल्ट दी थी कि ये जो है ये मेरा पति है, पर एक्चुअल में वो उसका पति नहीं था, उसने भरम में क्या दी थी, कंसल्ट दी थी। कल को वो ये नहीं कह सकता सर इसने तो अपनी मर्जी से ये सब करवाया था, मैं क्या करूँ, कोर्ट में जाकर कहेगा तो लड़की कह देगी जी हाँ मैंने अपनी मर्जी से तो करवाया था पर मैंने इस भ्रम में करवाया कि ये मेरा हस्बैंड है। मैंने वहां पे आपको गाना भी सुनाया था ना, छत पे सोया था बहन भाई, मैं तन्ने समझ के सो गई, वो तन्ने समझ के सो गई, मतलब वो भ्रम दिया है उसने, भ्रम में उसने कंसल्ट दिया। ऐसा काम होता है, अभी भी होता है और पहले भी होता था, मैं बता देता हूँ कैसे। पहले आजकल तो आपको ही पता है कि अगर किसी की एंगेजमेंट हो गई या फिर लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए आए, उससे पहले तो मिल मिला चुके होते हैं भाई, घर वालों को भी पता होता है कि आज ही मिलने के लिए आया है हमारे घर पे देखने के लिए, उससे पहले सब हो चुका होता है। आज का टाइम कोई और है, पहले क्या होता था, पहले तो शादी वाले दिन ही पता लगता कि ये अच्छा ये मेरा हस्बैंड है, अच्छा ये मेरी वाइफ है, तो वहां पे अब लड़की ने सोचा कि भाई ये जो आया है यही मेरा हस्बैंड होगा, और उसने कंसल्ट दे दी और ऐसा काम हो गया। अब सुबह पता लगा हस्बैंड तो दारू पिए पड़ा था, ये तो हस्बैंड का जीजा था, ठीक है, तो उसने जो कंसल्ट दी वो हस्बैंड समझ के दी। आज भी ऐसा होता है, आज ऐसा होता है जो कुछ एरिया इंडिया के अंदर ऐसा है जहां से लड़कियों को लोग है ना बेच देते हैं, ठीक है, 10,000 में बेच दी और कोई उनको वाइफ बना के ले आता है। अब वो वाइफ बना के उसको ले आया, अब उस बेचारी को पता ही नहीं होता मेरा हस्बैंड क्या है, उसका नाम क्या है, और कोई भी आके उसके साथ में कर देता है, वो तो क्या कंसल्ट दे रही है, हस्बैंड समझ के दे रही है। अगर उसने हस्बैंड समझ के कंसल्ट दिया पर बाद में पता लगा हस्बैंड नहीं था, तब भी वो रेप बन जाएगा। देन उसके बाद अगर कोई भी लड़की नशे में है, ठीक है, या अगर वो पागल है, तब अगर वो अपनी कंसल्ट देती है तब भी वो कंसल्ट नहीं मानी जाती है। बहुत सारे लड़के जानबूझ के गलती करते हैं नशे वाले, कि अपने गर्लफ्रेंड को पहले बियर पिला देंगे या दारू पिला देंगे इसलिए कि वो अपनी कंसल्ट दे देगी, है ना, उनको लगा कि शायद हमारे वाले में हिम्मत नहीं है कहने की, कंसल्ट देने की, शायद दारू पीने के बाद दे देगी, वो क्या बोलते हैं बियर पीने के बाद कंसल्ट दे देगी। अब भैया उसने कंसल्ट तो दिया पर नशे में, वो जैसे ही ठीक हुई वो आते लगवा देगी मुकदमा दर्ज कि इसने मेरा रेप किया और पहले मेरे को नशा भी करवाया, तो दो सेक्शन लग जाएंगे, 376 का भी लग जाएगा, ठीक है, नशे वाला अलग लग जाएगा। इससे अगली बात बता दी कि अगर कोई 18 साल से कम की लड़की है, 18 साल से कम की लड़की है, अगर उसके साथ में चाहे उसकी सहमति हो
या फिर ना हो, यानी कि चाहे उसके साथ हमें प्यार से करें या फिर जबरदस्ती करें। 18 साल से कम की लड़की, 18 का मतलब होता है 17 साल 11 महीने और 29 या 30 दिन, इस एज की अगर वो लड़की है तब उसके साथ में अगर कुछ ऐसा करेगा तब उसको भी क्या माना जाएगा, रेपी माना जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 18 साल से कम के बच्चों की कंसल्ट सिर्फ उनके माँ बाप ही दे सकते हैं भाई, उनके गार्जियनशिप से बिना पूछे कोई उनके साथ में ऐसा नहीं कर सकता है, भले वो अपनी सहमति दे दो पर उसकी सहमति सहमति नहीं मानी जाएगी। इससे अगले पॉइंट बता दिया, अगर वो लड़की असमर्थ है जो भी थी, लाइक जैसे कोई लेडीज अपना ऑपरेशन करवा रही है, उसको डॉक्टर ने बेहोश कर रखा है, अब उस टाइम तो अपनी सहमति दे ही नहीं सकती ना, कंसल्ट दे ही नहीं सकती, कंसल्ट देने में वो असमर्थ है। अब ऐसे में भैया बेहोश करके डॉक्टर उसके साथ में कुछ भी करे, कोई लड़की कोमा में गई हुई है, अब वो तो अपनी सहमति देने में असमर्थ है, कोई लड़की बेहोश है, मैं बेहोश वाला तो आपको बता चुका हूँ। अगर ये सात चीजें, माफी चाहेंगे, अगर ये सात चीजें हैं भाई, तब ये सात चीजें होती हैं और ऐसा काम होता है, इन चारों में से कोई भी एक काम होता है या इन चारों के चारों होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो रेप बन जाएगा। इसका देख लो, इसको अगर लिखना है, इसको छापना है, जैसे भी करना है, तो वो क्या बन जाएगा, वो रेप बन जाएगा, उसको हम कहेंगे रेप। लेकिन इसके अंदर दो बातें और बता दी, अगर कोई लड़की किसी की पत्नी है और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, तब अगर पति कुछ ऐसा करता है तब उसको रेप नहीं माना जाएगा। या फिर अगर कोई डॉक्टर है और वो गुड फेथ में ऐसा कर रहा है कि किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा है, देखो यहाँ पे किसी लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच कर रहा था ना, कुछ ऐसा कर रहा है, तब उसको भी रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन डॉक्टर की गुड फेथ होनी चाहिए या तो उसके इलाज के लिए। देखो कैसे, मान के चलिए कोई लड़की है, प्रेग्नेंट है, ये लड़की लाइक जैसे कोई प्रेग्नेंट है, अब डॉक्टर क्या करेगा, इसकी डिलीवरी अगर करेगा तो भैया जाहिर सी बात है उसके प्राइवेट पार्ट को डॉक्टर को टच करना पड़ेगा। पर अब डॉक्टर उसके प्राइवेट पार्ट को टच तो कर रहा है, लेकिन गुड फेथ में कर रहा है ताकि वो जो बच्चा है, वो जो डिलीवरी है, वो अच्छे से हो जाए। अब यहाँ पे डॉक्टर की इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो लिख दिया कि अगर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करेगा तो वो क्या बन जाएगा, रेप बन जाएगा। पर वहां पे डॉक्टर क्या कर रहा है, गुड फेथ में कर रहा है, तब उसको क्या नहीं माना जाएगा, उसको भी रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन अब डॉक्टर मान के चलो आंखों का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, और उस लड़की को बेहोश कर रखा है, तब उसके प्राइवेट पार्ट को टच करेगा या फिर कोई चीज एंट्री करवाएगा, तब तो रेप बन जाएगा ना भैया, तब तो वहां पे क्या लेना देना, ठीक है। जब सारा काम आंखों का है तो आंखों पे ध्यान दे, गलत जगह पे क्यों ध्यान दे रहा है, तब वो क्या बन जाएगा, रेप बन जाएगा। क्लियर। अब सीखते हैं इसकी पनिशमेंट, कि रेप की पनिशमेंट, रेप की पनिशमेंट बता दी 64 के अंदर। अब सारा पनिशमेंट रह गया भाई, मैं फिर कह रहा हूं सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि रेप किसको कहेंगे, यानी कि 63 किसको कहेंगे। अब सीखते हैं पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑफ रेप। देखिए भाई, दो सजा बता रखी है, पहली और दूसरी। पहली सजा तो बता दी जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर, यानी कि सब क्लोज 2 के अंदर जो बातें बताई गई हैं, अगर उस तरीके से रेप होता है उनको छोड़ के अगर किसी और तरीके से अगर रेप हो रहा है, तब उसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 10 ईयर की, और या फिर मिलेगी LI। LI का मतलब होता है भाई लाइफ इंप्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास की सजा, जो आपको नोट्स मिलेंगे उनके अंदर भी। अब मैं आगे शॉर्टकट में लिखूंगा ये सजा वगैरह, आप समझ जाना कि LI का मतलब है लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा, आजीवन कारावास और प्लस में फाइन। और एक चीज और भी बता देता हूं, अगर ये डंडा लगाया है इसका मतलब है या ये, और अगर प्लस लगाया है तो मतलब साथ में ये भी होगा, ये चीज भी ध्यान में रखना। 10 ईयर 10 साल की सजा हो सकती है, और ये जो होगी ये रिग्रेस होगी, ये सजा जो होगी वो रिग्रेस होगी, कठोर सजा होगी 10 साल की, और या फिर उम्र कैद की सजा या फिर फाइन उसको भरना पड़ेगा। सेकंड बता दिया, चलो इसके मजिस्ट्रेट वगैरह एक साथ ही बता देता हूं। इसके अंदर बता दिया कुछ 12-13 बातें बता दी, ABCDEFG और HIJKLM। देखिए भाई, पहले पॉइंट बता दिया कि कोई भी पुलिस वाला अगर किसी लड़की का रेप करता है, पर कहां पे करता है, जहां पे उसकी ड्यूटी है उस एरिया में, जैसे जिस भी थाने में किसी पुलिस वाले की ड्यूटी होती है, उस थाने का अपना एक एरिया होता है, उस एरिया में अगर वो किसी का रेप कर देता है तब भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। या फिर अपने थाने की जो बिल्डिंग होती है, जिस थाने में वो तैनात है उस बिल्डिंग के अंदर अगर वो किसी का रेप कर देता है,
या फिर तीसरी बात, अगर उस पुलिस वाले की कस्टडी में कोई लेडीज है और वही उसका रेप कर देता है, या फिर उसका सबॉर्डिनेट अगर उसका रेप कर देता है, लाइक जैसे कोई लेडीज पुलिस किसी को गिरफ्तार करके ले आई, किसी लड़की को गिरफ्तार करके ले आई, उसको सेल में डाल दिया और सेल के ऊपर किसी गार्ड की ड्यूटी लगा दी, और वो जो गार्ड था वो कोई जेंट्स था, मैन था, अब उसकी ड्यूटी लग गई, वो चली गई खाना वाना खाने के लिए या फिर कहीं और पे चली गई अपनी रवानगी करवा के, अब पीछे से वो जो था सेल में उस गार्ड ने क्या कर दिया, रेप कर दिया, अब वो गार्ड था उसका सबॉर्डिनेट, तब वो क्या बन जाएगा, तब भी वो रेप बन जाएगा। सेकंड बता दिया, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसा काम करता है, ठीक है, जहां पे उसकी ड्यूटी है उस एरिया में अगर वो किसी का रेप करता है, एंड थर्ड बता दिया कि कोई भी आर्मेंड फोर्स का अगर कोई भी सैनिक है, लाइक जैसे नेवी हो गया, एयर फोर्स हो गया, आर्मी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी आर्मेंड फोर्स होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपनी आर्मेंड फोर्स होती है, जैसे आपने बीएसएफ का नाम सुना होगा, सीएएसएफ का नाम सुना होगा, अब इन लोगों की जहां पे ड्यूटी है और जिस एरिया में इनकी ड्यूटी है उस वहां पर अगर ये किसी का रेप कर देते हैं तब भी इनको इस कदर ही सजा मिलेगी। एंड डी के अंदर बता दिया, अगर कोई भी जैसे जेल वाला हो गया, जो जेल हो गई, जेल के अंदर अगर कोई लड़की कैद है, ठीक है, तो जो जेलर है या फिर जो जेल का जो स्टाफ है, जितने भी कर्मचारी हैं, अगर वो उसके साथ में रेप कर देते हैं, या फिर अगर उसको कहीं रिमांड पे लिया गया है, जैसे पुलिस रिमांड हम आगे सीखेंगे 15 दिन का मिलता है, जुडिशियल रिमांड हम सीखेंगे, अब रिमांड पे अगर किसी लड़की को लिया गया, रिमांड के दौरान अगर उसका रेप कर दिया जाता है, या फिर अगर कोई ऐसी संस्था है जो लड़कियों के लिए बनी हुई है, जैसे विधवा आश्रम होते हैं, उनका मैनेजर ही या फिर उनके कर्मचारी अगर उनका रेप कर देते हैं, या फिर अगर कोई 18 साल से कम की लड़की और उसको सुधार गृह के अंदर में रखा गया है, सुधार गृह के अंदर भी एक किस्म का जेल ही होता है, तब अगर उसके अंदर जो जेल के जो कर्मचारी हैं अगर वो रेप कर देते हैं तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। और रेप किसको कहते हैं ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, जो चीज बताई थी ना वो चारों चीज बताई थी और वो सातों चीज बताई थी, अगर ये पब्लिक सर्वेंट वैसा ही करता है, माफी चाहूंगा ये पुलिस वाला, ये पब्लिक सर्वेंट वैसा करता है, आर्मड फोर्स वाले ऐसे करते हैं, जेल या रिमांड रूम के अंदर कोई ऐसा करता है, तब, या फिर इससे अगली बात बता दी हॉस्पिटल के लिए, अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई लड़की अपना इलाज करवाने के लिए आई है और उस दौरान हॉस्पिटल के अंदर ही हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है या फिर कोई भी स्टाफ है, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ का कोई नर्स स्टाफ से हो, अगर वही उसका रेप कर देता है, ठीक है, रेप मतलब वो चारों चीजें और वो सातों चीजें, क्लियर। इससे अगली बात बता दी एफ के अंदर, कोई भी भरोसे वाला है, विश्वास वाला है, या फिर उसका कोई टीचर हो गया या उसका कोई गार्जियन हो गया, कोई भी उसका गार्जियनशिप जिसके ऊपर वो भरोसा करती है, कोई भी रिलेटिव हो गया, रिश्तेदार हो गया, जैसे कि अब कोई लड़की को उसी का चाचा कहता है कि चलो खेत में चलते हैं, खेत में कुछ काम है, अब वो लड़की को ले गया भाई खेत में, अब उसका चाचा ही अगर उसके साथ में कर देगा, उसका फूफा उसके साथ में कर देगा, ऐसे ऐसे केस भी देखें कि पापा भी कर देते हैं कई केस में, तो पापा ने लड़की का रेप कर दिया, भाई ने बहन का रेप कर दिया, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई है, अब तो पापा और भाई का भी मैटर काफी सुनने को मिलता है। कोई भी टीचर होगा, अब लड़की बेचारी टीचर के पास में जाती है ट्यूशन पढ़ने के लिए कि टीचर मेरे को पढ़ाएगा, और वो भरोसे वाला ही उसका साथ में अगर गलत काम कर देगा तब इसके अंदर वो मैटर आ जाएगा। या फिर अगर कोई आंदोलन हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा रस है, क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी हिंसा है, ठीक है, अगर उस दौरान कोई किसी का रेप कर देता है तो वो सारे मैटर भी इसी के अंदर आएंगे। जैसे मान के चलो हिंदुओं की और मुसलमानों की लड़ाई हो गई, अब लड़ाई होगी तो हिंदुओं ने सोचा कि मुसलमानों की लेडीज के रेप करो, अब यहाँ पे जो रेप है ना वो किसके कारण हो, इस हिंसा के कारण, एक नफरत के कारण, जो नफरत फैली हुई है हिंदू मुस्लिमों के बीच में, अब वो इनका रेप इसीलिए कर रहे हैं कि वो सिर्फ मुस्लिम लड़कियां हैं, अब मुसलमान हिंदू लड़कियों का रेप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक कोई ऐसी हिंसा फैली हुई है। या फिर अगर कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है, लाइक जैसे आपने किसान आंदोलन सुना होगा, उस आंदोलन के दौरान वही लोग अगर उनका रेप कर देते हैं आंदोलनकारी, ठीक है, और हुआ भी था काफी लड़कियों को आंदोलन में, काफी लड़कियों ने भाग लिया, पर उन आंदोलनकारियों ने उन लड़कियों के साथ में क्या कर दिया, रेप कर दिया, तब किसी भी आंदोलन के अंदर अगर कोई लेडीज या फिर जेंट्स है वहां पे अगर लड़के का रेप हो जाता है, या फिर कोई भी ऐसी हिंसा फैली हुई, कोई नफरत फैली हुई है उसके दौरान भी, नफरत लिख देता हूं मैं, हिंसा लिख देता हूं, तभी क्या मान लिया जाएगा, वो रेप मान लिया जाएगा। इसके बाद बता दी भाई, अगर कोई भी लेडीज गर्भवती है, प्रेग्नेंट है भाई, तब अगर उसके साथ में अगर वो रेप करेगा, जानते हुए कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, उसको पता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, फिर भी अगर उसके साथ में रेप करेगा तब, या फिर वही अगर वो लड़की अपनी सहमति देने में असमर्थ है तब अगर उसका रेप करेगा, या फिर
अगर उस लड़की का कोई भी कंट्रोलर है, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल रखने वाला, वो अगर उसका रेप करेगा, जैसे आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, बॉस उसके अंडर में जितने लोग काम कर रहे हैं तो वो उनके कंट्रोल में है, अगर वही उनका रेप कर देगा, अगर हमने किसी को सफाई के लिए ऐसे रखा हुआ, कोई सफाई वाली अगर रखी हुई है घर में, अगर हम ही उसका रेप कर देंगे तब, ठीक है। और जैसे हमारा कोई भी नौकर हो गया भैया, उस टाइम के ऊपर हमारा कंट्रोल है। अब कोई सफाई वाली रखी हुई है, सुबह 6 से 9 बजे सफाई करने के लिए आती है, अब उसका टाइम है, उसको यहाँ पे रहना पड़ेगा 6 से 9, और अगर उसी दौरान हम उसका रेप कर देते हैं, तब जिसका उसके ऊपर कंट्रोल था उसी ने अगर उसका रेप कर दिया, तो इसी तरह के मान के चलो कोई माली रख रखा है, कोई गार्डन के लिए कोई लेडीज को, या फिर कोई गाड़ी पे ड्राइवर रख रखी है, वो हमारे कंट्रोल में है, हमारी इम्प्लॉई है, अगर हम ही उसका रेप कर देंगे तब वो क्या बन जाएगा, तब वो भी सेकंड पॉइंट के अंदर आ जाएगा। इससे अगली बात बता दी, अगर कोई लड़की बीमार है मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, लाइक जैसे कोई अपंग है बेचारी, हाथ पैर नहीं है, या फिर अगर वो पागल है, ठीक है, मेंटल इलनेस है, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो भी रेप की कैटेगरी में आ जाएगा। इससे अगली बात बता दी, अगर लड़की को रेप के दौरान अगर मारता भी है, हार्ट देता है, ग्रेवियस हार्ट देता है, या फिर जान से मारने की कोशिश करता, तब ये मैटर भी कहां पे आ जाएगा, सेकंड पॉइंट के अंदर आ जाएगा। आपने देखा होगा कि रेप करते करते लड़की को नोच नोच के खा गए, काट काट के खा गए, ठीक है, ऐसी कोई ग्रेवी शर्ट भी दे दी, उसका हाथ मरोड़ मरोड़ के उसका हाथ ही तोड़ दिया, तब अगर उसको कोई ऐसी ग्रेवी शर्ट भी मिल जाती है तब, या फिर अगर बार बार एक लड़की के साथ में एक ही लड़का, भाई एक लड़की के साथ में एक लड़का एक से ज्यादा बार अगर इंटरकोर्स करता है, तो वो भी क्या बन जाएगा, सेकंड पॉइंट के अंदर वो चीज आ जाएगी। तो पनिशमेंट ऑफ रेप दो तरीके से मिलेगी। पहली चीज तो ये बता देगी, जो ऐसा काम अगर कोई नहीं करेगा, यानी कि अगर कोई पुलिस वाला रेप करेगा तब ये सजा नहीं मिलेगी, अगर कोई जेल वाला ये काम करेगा तब ये सजा नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल टीचर ये वाले, ये इनके लिए अलग सजा है, इनके लिए अलग सजा ये है, अगर कोई ऐसा काम करेगा तब 10 ईयर की होगी भाई रिग्रेस, 10 ईयर रिग्रेस होगी, और क्या बोलते हैं ये नेचुरल लाइफ चलेगा भाई पूरा, ये जो LI है ये पूरा चलेगा नेचुरल लाइफ, पूरी जिंदगी जेल में ही उसको सड़ना पड़ेगा, और प्लस में फाइन, क्लियर। ये दोनों सेक्शन जो होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, नॉन अवेलेबल होंगे, और ये सेशन कोर्ट में चले जाएंगे, इनका मामले की सुनवाई होगा सेशन कोर्ट में होगी। तो ये थी आपकी रेप की पनिशमेंट। अब इसके बाद भी कुछ पनिशमेंट बताई गई है अलग अलग केस के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, देखिए कैसे। 65 के अंदर बता दिया कि अगर कोई 16 साल से कम की लड़की के साथ में अगर रेप करता है, या अगर कोई 12 साल से कम की लड़की के साथ में रेप करता है, सर्टेन केसेस के अंदर अगर कोई 16 साल से कम की लड़की के साथ में अगर रेप करेगा, या फिर अगर 12 साल से कम की लड़की के साथ में रेप करेगा, अब वही बात आ गई ना कि रेप किसको कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इनके साथ में कोई ऐसा करता है तब उसको जो सजा मिलेगी यहाँ पे 20 ईयर, इससे कम नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, और ये भी क्या होगी, ये भी रिग्रेस होगी, कठोर सजा मिलेगी, ठीक है, जो कहां तक चलेगी, पूरी जिंदगी, यानी कि नेचुरल लाइफ, लाइफ इंप्रिजनमेंट पूरी जिंदगी, और साथ में फाइन। और अगर वहीं पे 12 साल से कम की लड़की के साथ में करेगा तब 20 ईयर, और वो भी कैसी होगी, वो रिग्रेस होगी, कठोर, इससे कम तो होगी ही होगी नहीं, या फिर पूरी जिंदगी की LI, नेचुरल डेथ लिख देता हूं, LI, या फिर फांसी, डेथ, और प्लस में फाइन। फांसी की सजा भी मिल सकती है, पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ सकता है, और 20 साल से कम नहीं होगी दोनों ही केस में, पर यहाँ पे फांसी नहीं, यहाँ पे फांसी, क्योंकि यहाँ पे लड़की 12 साल से कम है। अगर ऐसी लड़कियों के साथ में रेप करेगा, रेप वही जो मैंने आपको 63 में बताया था, वैसा कुछ काम करेगा, तब हम उसको क्या मान लिया जाएगा, फिर ये वाली सजा उसको अच्छी खासी मिलेगी। 66 कहता है कि अगर जो रेप हुआ है 64 के तहत में, उस रेप के दौरान अगर वो लड़की मर जाती है, या मरती तो नहीं है, किसी ऐसी सिचुएशन में चली जाती है कि वो उसकी लाइफ खत्म ही होगी, लाइक जैसे कोमा में चली गई, रेप, लड़की का रेप हुआ, रेप के बाद वो ऐसे सदमे में आ गई, या तो कोमा में चली गई, या फिर वो पागल हो गई, पूरी जिंदगी के लिए पागल हो गई, या फिर वो मर ही जाती है, तब 66 में उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, क्या सजा मिलेगी, यही 20 साल से कम नहीं होगी, और LI पूरी जिंदगी की, या फिर डेथ,
ये तीन सजा उसको मिल जाएगी प्लस में फाइन। ये दोनों जो सेक्शन करवाए थे मैंने, ये कॉग्निजेबल होंगे, ये नॉन अवेलेबल होंगे और ये भी सेशन कोर्ट के पास में चले जाएंगे, ये भी और ये वाला भी। 67 कहता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में कुछ ऐसा करता है, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ में कुछ ऐसा करता है, क्या करता है, उसका रेप कर देता है, कैसे, जो हमने 63 के अंदर सीखा था वैसा ही रेप अगर कर देता है, लेकिन वो तब करता है जब वो दोनों सेपरेट हो, अलग रह रहे हो, या तो कोर्ट की मर्जी से अलग रह रहे हो, या फिर अगर लड़की किसी और कारण से अलग रह रही है और उस लड़की की इच्छा के बिना, यानी कि जोर जबरदस्ती उसी का हस्बैंड अगर उसके साथ में कर देगा, तब उसके लिए भी सेक्शन बना 67। देखो हस्बैंड वाइफ एक घर में रह रहे हैं, तब अगर ऐसा हो जाता तब ये चीज नहीं मानी जाती है, लेकिन अगर मान के चलो लड़की पिछले 6 महीने से कोई नाराज होके अपने मायके में रह रही है, किसी पीजी में रह रही है, वहां पर उसका हस्बैंड जाता है और वो कहती है कि नहीं मेरे को अब तेरे से कोई लेना देना नहीं, तू गेट आउट हो जा, और फिर अगर उसके साथ में जोर जबरदस्ती करेगा तब भी 67 लग जाएगा, या फिर अगर उनका कोई डिवोर्स का ऐसा केस चल रहा है और कोर्ट ने डिक्री दे दी है कि भैया अब आप अगली तारीख से हस्बैंड वाइफ नहीं रहेंगे, उसके बाद अगर वो जाके उसका रेप कर देगा तब वो 67 के अंदर मैटर आ जाएगा। 67 के अंदर जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 2 साल से लेके आपकी 7 साल तक की। ये जो मैटर होता है ये कॉग्निजेबल होता है, इसमें बेल मिल जाती है और ये भी सेशन कोर्ट के पास में जाएगा जी, ये सिर्फ इसके बीच में सजा होती है। 68 कहता है कि अगर कोई भरोसे वाला कोई इंसान, अथॉरिटी वाला कोई इंसान अगर रेप नहीं करता है, यहाँ पे रेप का जिक्र नहीं 68 में इंटरकोर्स का जिक्र है, अगर कोई भरोसे वाला अगर कोई ऐसा काम करता है, रेप नहीं करता है, पर इंटरकोर्स करता है, तब उसके लिए भी सजा बना दी 68 के अंदर। लाइक जैसे देखिए 4 बातें बताइए, अथॉरिटी वाला पर्सन, अथॉरिटी वाला या तो कोई भी भरोसे वाला इंसान, भाई भरोसे वाला तो कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी टीचर हो सकता है, सेकंड बता दिया कोई भी पब्लिक सर्वेंट, और थर्ड बता दिया कोई भी अपना जेल का, जेल के अंदर या फिर रिमांड रूम के अंदर, ठीक है, या फिर जैसे मैंने बताया था कोई भी ऐसा लेडीज के लिए जो संस्था बनी होती है वो वाले लोग, या फिर हॉस्पिटल के अंदर। अगर ये लोग रेप नहीं करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, देखो सीखने की चीज है ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन में काफी डाउट आते हैं 68 के अंदर कि सर इसमें और जो हमने 64 की पनिशमेंट में सीखा था उसमें भी चारों लोग थे, भरोसे वाले, जेल वाले, डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा, एक चीज सीख लेना, मोटिवेशन, एक शब्द होता है मोटिवेशन, यहां पे जो जिक्र है वो मोटिवेशन का जिक्र है कि अगर कोई कौन, ये जो 4 चीजें लिख रखी है, अगर उसको मोटिवेट करते हैं लड़की को, जैसे कोई टीचर है, कोई भरोसे वाला इंसान है कि प्लीज मेरे साथ कर लो, मैं तुम्हारे अच्छे नंबर लगवा दूंगा, एग्जाम से पहले एक दिन पहले मैं तेरे को ना पेपर लाके दे दूंगा, अब उसने मोटिवेट करके उसके साथ में ऐसा किया, इंटरकोर्स किया, रेप नहीं, रेप मतलब जोर जबरदस्ती, यहां पे तो मोटिवेट कर रहा है ना, तब अगर उसके साथ में इंटरकोर्स करेगा तब भी क्या बन जाएगा, वो रेप के अंदर आ जाएगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, लाइक जैसे कोई पुलिस वाला है, कोई लड़की गई अपनी कोई एप्लीकेशन लेके पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले ने कहा कि मेरे साथ ऐसा कर लो, मैं निष्पक्ष जांच करवा दूंगा, तुम्हारे फैसले का तुम्हारे हक में फैसला दिलवा दूंगा, तुम्हारे जो भी शिकायत थी उसका फैसला तुम्हारे हक में दिलवा दूंगा, अब उसको मोटिवेट कर रहा है। कोई जेल वाला हो गया, रिमांड रूम के अंदर हो गया, रिमांड रूम के अंदर कहा कि अगर तुम ऐसा कर लेती हो हम तुम्हारा रिमांड नहीं लेंगे, तुमको नहीं पीटेंगे, ठीक है, अब उसको लालच दिया, मोटिवेट किया है कि तुम हमारे साथ ऐसा कर लो, हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। जेल के जेलर ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करती हो तो तुम्हारा अलग से खाना आएगा जो मेरे लिए आता है, तुमको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, तुम यहाँ मेरे कैबिन में रहना, एसी वाले रूम में रहना, टीवी देखना, इंटरनेट चलाना, मजे लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो भाई, ठीक है, अब मोटिवेट किया है उसको। इसी कदर हॉस्पिटल के अंदर जैसे कोई लेडीज है, मरीज है, डॉक्टर ने किया है, फिर किसी नर्स के स्टाफ या फिर कोई भी और क्लरिकल स्टाफ है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, अपनी मर्जी से करती हो, तो मैं हॉस्पिटल में एक भी पैसा नहीं लगने दूंगा,
जो रूम होगा फ्री में दिलवा दूंगा। अब उसको मोटिवेट कर रहा है, ये चारों लोग उसको क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और ऐसी मोटिवेशन के बाद अगर वो अपनी सहमति देती है तब भी क्या माना जाएगा, तब भी रेप माना जाएगा। वो लड़की बाहर जाके मुकदमा दर्ज करवा सकती है कि इन्होंने जो मेरे साथ में किया, मेरे साथ में ऐसा ऐसा कह के मेरे से चीज करवाई गई है। तब जो सजा होगी वो 5 साल से 10 साल तक की हो सकती है, 5 साल से कम नहीं होगी, 10 साल तक हो सकेगी। ये भी वही कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल और सेशन कोर्ट के पास में मैटर चला जाएगा। प्लस में फाइन, यहाँ पे प्लस में फाइन 69 कहता है कि अगर कोई धोखे से कोई इंसान किसी के शरीर का यूज करता है धोखे से, तब भी हम उसको क्या कहेंगे, उसको रेप की कैटेगरी के अंदर मान लिया जाएगा। लाइक जैसे शादी का झांसा देके कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा तो मेरे साथ में ऐसा कर लो, वो लड़की उसके साथ में कर रही है 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से वो करती आ रही है, पर शादी का झांसा देके और एंड टाइम पे लड़के ने किसी और से शादी कर ली। अब इतने टाइम से धोखे से उसका यूज कर रहा है, 69 का वो क्या बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। इसी कदर किसी ने कहा कि मैं तुम्हारा वीजा लगवा दूंगा दूसरे देश का तो मेरे साथ में ऐसा कर लो, उसने उसके साथ में ऐसा कर लिया, बाद में कोई वीजा नहीं लगा, 69 तो फिर लग ही जाएगा। किसी भी तरीके का धोखा देता है कि मैं तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगा, ठीक है, ऊपर वाली पोस्ट पे तुमको बिठा दूंगा, तुमको वो कहते हैं ना रानी बना के रखेंगे, तो 69, या फिर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूं, किसी भी तरीके का अगर उसको धोखा दे रहा है, धोखा दे के अगर उसके शरीर का यूज कर रहा है और बाद में कुछ ऐसा नहीं होता है तो वो 69 ऐसा हो जाएगा। 69 के अंदर जो सजा होगी वो 10 साल तक की एक ही सजा बताई गई है, 10 ईयर तक की सजा होगी, और ये भी कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल, और ये सेशन कोर्ट के पास में चला जाएगा। प्लस में फाइन 70। अब बात आती है जी गैंगरेप की। देखो गैंगरेप दो लोगों के साथ में, या तो कोई अडल्ट महिला है या फिर अगर कोई 18 साल से कम की लड़की है उसके साथ में। गैंगरेप क्या होता है ये चीज भी सीखने की है, चलो सिखा देते हैं। सेवेंटी गैंगरेप के बारे में बताता है। लड़की एक है पर उसके साथ में रेप करने वाला एक लड़का नहीं है, एक से ज्यादा लड़के हैं। देखो सीखने की चीज है तभी मैंने सिखाया है। लड़की एक है पर उसके साथ में रेप करने वाला एक लड़का नहीं है, एक से ज्यादा लड़के हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, अकेला नहीं है। अकेले से एक से ज्यादा होगा तभी क्या माना जाएगा, वो गैंगरेप माना जाएगा। यानी कि या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे तो क्या माना जाएगा, रेप माना जाएगा। इससे अगली बात, अब एक या एक से ज्यादा जितने भी लोग है ना, ये जरूरी नहीं है कि सभी की सभी उसका रेप करें। अगर जहां पे रेप हो रहा है वहां पे जितने लोग हैं अगर उनको पता है कि इसका रेप हम लोग कर रहे हैं, अगर मान के चलो एक लड़का उसका रेप कर रहा है, दूसरा लड़का इंतजार में है भाई मेरी भी बारी आएगी, और तीसरा भी अपने इंतजार में है कि मेरी भी बारी आएगी, उससे पहले पुलिस आ गई और पुलिस आके इन तीनों को पकड़ लिया, अब ये 2 कहेंगे सब हमने तो कुछ किया ही नहीं था, पर तब भी ये क्या माना जाएगा, गैंगरेप ही माना जाएगा, क्योंकि इन तीनों की इंटेंशन क्या थी, तीनों की इंटेंशन ये थी कि हमको 1 by 1 क्या करना है, इसका रेप करना है। अगर तीनों ही कर चुके हैं तब भी गैंगरेप, और अगर तीनों वहीं पे हैं और इस इंतजार में है कि अब मेरी बारी आएगी मेरी बारी आएगी, तब भले ही एक इंसान ने रेप किया हो बाकी 2 अब इंतजार कर रहे हैं तब वो भी गैंगरेप में आ जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं एक से ज्यादा इंसान होने चाहिए तभी उसको क्या माना जाएगा, गैंगरेप माना जाएगा। एक केस था अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास, एक हस्बैंड ऐसी जो सेपरेट का मामला था, सेपरेट का मैं बता देता हूँ, एक हस्बैंड और उसकी वाइफ दोनों अलग रह रहे थे, उनका तलाक हो चुका था और वो चला गया अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो बच्चे से मिलने के लिए गया तो साथ में लेके चला गया अपने हस्बैंड को, उसको दोस्त को, हस्बैंड जो था अपने दोस्त को लेके चला गया, चलो भाई बच्चे से मिल के आते हैं। तो वो एक कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ ऐसा होता है कि शाम को ये लोग एक हो जाते हैं, तो वो वाला सीन था। तो वो एक हो गए भाई, एक हो गए तो ठीक है, तो फिर वो जो दूसरा था वो भी इस फिराक में कि ये जो दूर की अब जो भाभी जी थी अब मेरी भी बारी आएगी, तो ऐसी कुछ नजर में, और जो हस्बैंड था उसको तो पता था अभी मेरी वाइफ नहीं रही, अब ये करे या मैं करूं अब तो मेरी इज्जत को कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो इस फिराक में था और लड़की ने क्या किया, रेप केस लगवा दिया, गैंग रेप का, कि मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे से मिलने के बहाने आया और एक इसका दोस्त और इन्होंने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। अब उस दोस्त ने कुछ भी नहीं किया भाई, तो वो क्या फंस गया, गैंगरेप में फंस गया। क्लियर?
अब ये जो ऐसा काम हो रहा है या तो किसी एडल्ट महिला के साथ में हो रहा है या फिर किसी 18 साल से कम की लड़की के साथ में हो रहा है, चाहे वो 18 साल से कम, 18 साल से कम का मतलब 17 साल 11 महीने और क्या बोलते हैं 29 दिन या 30 दिन की लड़की होनी चाहिए, उससे कम। अगर यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है एडल्ट के साथ में हो रहा है, 18 प्लस के साथ में हो रहा है, तब 20 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी भाई किसको, गैंग रेप करने वाले को, और ये जो होगी वो होगी रिग्रेस। और क्या बोलते हैं, या फिर जाएगी पूरी जिंदगी की LI, लाइफ इंप्रिजनमेंट, पूरी जिंदगी उसको जेल में सड़ना पड़ेगा। और अगर 18 साल से कम की लड़के का मैटर है तब नेचुरल डेथ कहां पे, इन प्रिजन, लाइफ इंप्रिजनमेंट, और या फिर डेथ, फांसी की सजा उसको मिलेगी प्लस में फाइन। और ये दोनों सेक्शन होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, नॉन अवेलेबल होंगे, और ये सेशन कोर्ट के पास में चले जाएंगे। ये था आपका गैंगरेप। 71 कहता है कि अगर कोई रिपीट करता है, 71 अगर कोई रिपीट करता है, क्या रिपीट करता है, रेप रिपीट करता है, यानी कि पहले वो ऑलरेडी 63 से लेके 67 तक के मामलों में पहले सजा काट रहा है, यानी कि इनके तहत में पहले से वो सजा काट रहा है ऐसे रेप के मामलों में, और वो बाहर आने के बाद या फिर रेप के दौरान अगर किसी और का रेप कर देगा तब फिर उसको जो सजा मिलेगी वो 71 के तहत मिलेगी, 71 के तहत में, और इसको जो सजा मिलेगी सेम यही मिलती है, या तो आपकी बार पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा या फिर उसको फांसी मिलेगी, सेम ऑफेंस ये हो जाएगा। 72 बताता है डिस्क्लोजर के बारे में, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी। अगर कोई ऐसी लड़की है जिसका रेप हो चुका है और वो उसके नाम को उछाल रहा है, जैसे मान के चलता हूं मैं किसी लड़की का नाम क्या ले, चलो किसी का नाम नहीं लेते, ए नाम की कोई लड़की है उसका रेप हो चुका है, अब कोई पूरे मोहल्ले में फैला रहा है कि ए का रेप हो गया, वो तो ऐसी उसका रेप हो गया, उसके नाम को उछाल रहा है, जिसका रेप हुआ है अगर उसके नाम को उछाल रहा है तब उसके ऊपर लगता है जी 72। देखिए कैसे, किसी भी लड़की का अगर रेप हुआ है, इन सेक्शन कहते हैं 63 से लेकर 68 तक, किसी भी लड़की का अगर रेप हो चुका है और रेप के बाद अगर उसका नाम उछालेगा, अखबार में छापेगा, टीवी पे दिखाएगा या मोहल्ले में किसी को बताएगा, भाई उसका लड़की का रेप हो चुका है, उस लड़की का रेप हो चुका है, तब फिर वो 72 में लाइबल हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर दूसरी बात बता दी, दूसरी बात ये बता दी इसके अंदर कि वहीं पे कुछ लोग उसका नाम फैला सकते हैं, कौन कौन, या तो थाने का SHO या वो IU जो उस केस को देख रहा है, रेप केस को देख रहा है, और उस लड़की के गुड फेथ के लिए उसका, अगर वो उसका नाम उछाल रहा है, टीवी में बता रहा है, न्यूज़पेपर में बता रहा है, तब उसने कोई क्राइम नहीं किया, उसके ऊपर नहीं लगेगा। दूसरी बात बता दी, अगर उस लड़की की मर्जी से, अगर वो लड़की खुद कहती है कि हाँ मेरा नाम फैलाओ, मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूँ कि हाँ मेरा रेप हुआ है, अगर वो खुद अपनी मर्जी से अपना नाम फैलवाना चाहती है तब भी यह नहीं लगेगा। तीसरी बात बता दी इस दूसरे के अंदर ही, अगर वो लड़की मर जाती है या 18 साल से कम की लड़की है या वो पागल हो जाती है, तब उसके गार्जियनशिप की मर्जी से क्या हो सकता है, उसका नाम कैसे फैलाया जा सकता है। अगर गार्जियनशिप कहते हैं कि बताओ भाई समाज को हमारी लड़की का रेप हुआ, तब हम उसका नाम उजागर कर सकते हैं उससे, अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है तब अगर हम उसका नाम उजागर करेंगे तब ये सजा मिल जाएगी, 2 साल की यहाँ पे सजा मिलती है। क्लियर। तीसरी बात बता दी कि अगर वहीं पे कोर्ट की मर्जी लेना जरूरी हो, उस केस के अंदर कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, कोर्ट ने अगर स्पेशल बाउंडेशन लगाई है कि कोई भी कोर्ट की परमिशन के बिना इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोजर नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएगा, और फिर भी अगर बता देता है, हम इसके अंदर सीखेंगे नई वाली CRPC के अंदर कि अगर कोई कोर्ट ने अगर लगा दिया, बैन लगा दिया कि भाई कोई भी अखबार वाला, कोई भी न्यूज़पेपर वाला इसके नाम को नहीं उछाल सकता है, फिर अगर बिना कोर्ट की परमिशन के उछालेगा तब उसको भी 2 साल की सजा मिल जाएगी। ये मामला भी कॉग्निजेबल होगा, ये नॉन अवेलेबल होगा, और ये कोई भी मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है, यानी कि एनी मजिस्ट्रेट के पास भी मैटर चला जाएगा। आपने सुना होगा अखबार के अंदर ये तो आता है कि आज इस शहर में एक लड़की का रेप हो गया, 3 दरिंदों ने उसका रेप किया, पर उसका नाम नहीं लिखा था। ठीक है, तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा था, अगर अखबार वाले उसका नाम छाप देंगे, न्यूज़पेपर वाले अगर उसका नाम बताएंगे तो 72 उनके ऊपर लग जाएगा। तो ये था आपका रेप का पार्ट, 63 से लेकर 72 तक, रेप, रेप की डेफिनेशन, उसकी पनिशमेंट, सर्टेन केसेस में रेप, यानी कि 16 साल से कम की लड़की है, 12 साल से कम की अगर मामला है, या फिर अगर लड़की रेप के दौरान अगर मर जाती है, पागल हो जाती है, या फिर अगर उसका हस्बैंड या फिर उसका कोई भरोसे वाला
या फिर अगर कोई धोखे से उसका रेप करेगा या फिर गैंग रेप और या फिर रिपीट करेगा, एक बार सजा काट रहा है रेप की दोबारा फिर रेप करेगा, या फिर अगर उसकी आईडी को डिस्क्लोजर करेगा, लोगों को बताएगा, उसका नाम को उछालेगा, तब ये वाले धाराएं लग जाएंगी। तो उम्मीद का हाँ ये सारे सेक्शन, एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये सारे सेक्शन जो होंगे वो आपके कॉग्निजेबल होंगे भाई, सभी के सभी सेक्शन आपके कॉग्निजेबल होंगे। सीखने की चीज बताता हूँ, रटने की चीज, रट भी सकते हो। खैर देखो, सभी सेक्शन आपके कॉग्निजेबल है आज की क्लास के, सभी सेक्शन नॉन अवेलेबल है, सभी सेशन कोर्ट में जाएंगे, लेकिन दो सेक्शन को छोड़ के, एक तो जो मैंने हस्बैंड वाला बताया था 67, ये तो हो जाएगा अवेलेबल, बाकी सेम, और एक जो मैंने 72 अभी सिखाया था ये चला जाएगा एनी मजिस्ट्रेट के पास में। सिर्फ ये दो सेक्शन के अंदर दो अलग बातें, ये अवेलेबल होगा और ये एनी मजिस्ट्रेट के पास में जाएगा, बाकी सारे कॉग्निजेबल, सारे नॉन अवेलेबल और सभी सेशन कोर्ट के पास में चले जाएंगे। सभी सेक्शन के साथ में फाइन जरूर लगेगा, और फाइन जो लगेगा कोर्ट क्या करेगी, फाइन लेके, और फाइन लेने के बाद जो भी विक्टिम है, जो लड़की है, उसको इलाज के लिए वो पैसा दे दिया जाएगा कि एक्यूज से 2,00,000 रुपए लिया फाइन और वो लड़की को दे दिया, ऐसे ही कोर्ट दे देती है। तो हम नई सीआरपीसी जब स्टार्ट करेंगे उसके अंदर भी ये चीज हम सीखेंगे। तो उम्मीद करूंगा आपको रेप वाला आपका पूरा पोर्शन आपको क्लियर होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से डाउट क्लास ले लेना। थैंक यू भाई।